नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। हम आ चुके हैं नेपाल के शीश महल में, विच इज़ वन ऑफ द फेमस प्लेस टूरिस्ट स्पॉट फॉर इंडियंस। क्या खासियत इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इस मंदिर के अंदर आपको आप ही का चेहरा हर जगह रिफ्लेक्ट होता मिलेगा, और इसके आगे एक और कुछ खास प्लेसेस है जो मैं आपको अपनी आगे आने वाले वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये है शीश महल, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। इंडियन करेंसी में इसका 15 रुपये लगता है इसके अंदर एंट्री लेने का, और नेपाली करेंसी में इसमें 25 रुपये लगते हैं। और मेरे सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नेपाल का दुकान भी है जिसमें आप कुछ भी आके यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है इंडिया से आते हैं एंड यहाँ पे अपना स्पॉटिंग करके जा सकते हैं। मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं पहाड़ है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, वहाँ आपको झीलें भी दिखेंगी और नदियाँ भी दिखेंगी। तो आइए सफ़र लेते हैं नेपाल के शीश महल का। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ नेपाल का शीश महल। इधर देखिए काफ़ी सारे पार्क भी हैं, आप आके यहाँ अच्छा खासा अपना फैमिली टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने चाहने वालों के साथ आ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग अलग अलग प्लेसेस से आए हैं, ये हिंदुस्तान से भी हैं और ये नेपाल से भी हैं और कुछ लोग भूटान से भी हैं। तो चलिए आइए यहाँ का अद्भुत नज़ारा का लुत्फ़ उठाया जाए। आप देख सकते हैं ये जो सामने सटा हुआ पहाड़ दिख रहा है, ये हमारे हिंदुस्तान में है और अभी हम यहाँ नेपाल पे हैं। बस एक नदी की दूरी हिंदुस्तान और नेपाल की नज़दीकियाँ आपको दिख सकती हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ जस्ट नज़दीक में कितना सुनहरा व्यू है, आप देख सकते हैं इतना साफ़ सुथरा पानी। हिंदुस्तान उस पार है और अभी हम इस पार नेपाल में हैं। सामने ये जो आपको दिख रहा है ये वाल्मीकि नगर का जंगल का एरिया है। अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो ये पूरा वाल्मीकि नगर का रिजॉर्ट प्लेस है, आप आइए अपने फैमिली वालों के साथ घूम के हिंदुस्तान और नेपाल का लुत्फ़ उठाइए। मेरे दाहिने तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी सारी बेहतर आपको नेपाल की आर्किटेक्चर्स दिखेंगी, और इधर भी अच्छी अच्छी अद्भुत आर्किटेक्चर्स हैं। तो इन आर्किटेक्चर्स के बारे में हम आपको अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।